Hey guys, it's Aastha and welcome back to my channel. So, आज की वीडियो में हम ये ब्यूटीफुल सा मेकअप लुक क्रिएट करने वाले हैं जो स्पेशली मैंने रक्षाबंधन के लिए क्रिएट किया है. तो इस लुक को आप भी अपने रक्षाबंधन वाले दिन क्रिएट कर सकते हैं या फिर किसी भी फेस्टिवल के लिए क्रिएट कर सकते हैं. सो या इफ यू न्यू टू माई चैनल प्लीज टेक अ मिनट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड या डोंट फॉर द डिले लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. मैंने अपना स्किन ऑलरेडी प्रेप कर लिया है, उसके बाद मैं यूज कर रही हूँ मेबेलिन फिट मी ड्यूई प्लस स्मूथ प्राइमर और उसका क्लिप मुझसे डिलीट हो गया था. उसके बाद मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक प्रो कंसीलर पैलेट. इसमें कुछ सारे ही करेक्टर शेड मिल जाते हैं, प्लस इट इज वेरी अफोर्डेबल. मैं इसमें से ऑरेंज शेड यूज कर रही हूँ अपने फिंगर की हेल्प से और जो भी मेरे पिगमेंटेड एरियाज हैं डार्क सर्कल और चिन के आसपास मैं वहाँ पे अप्लाई कर लूंगी और ब्लेंड कर लूंगी. कलर करने से हमारा मेकअप ग्रे नहीं होता. आई नो मैं अभी बंदर लग रही हूँ, बट ट्रस्ट द प्रोसेस. नेक्स्ट आई एम यूजिंग द मेबेलिन सुपर स्टे लूमी मैट फाउंडेशन. आई एम इन द शेड 228 सॉफ्ट टैन. ये मेबेलिन का न्यू लॉन्च है और आपको एक नेचुरल एंड ड्यूई लुक देता है. मैं इसके दो पम्प्स ले रही हूँ और अपने बैक ऑफ द हैंड पे मैं अच्छे से इसको वार्म कर लूँगी. इसके बाद डॉट डॉट करके मैं अपने पूरे फाउंडेशन को अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, नेक पे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी. नेक्स्ट मैं एक फ्लैट ब्रश ले रही हूँ और फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. आप ब्यूटी ब्लेंडर और फाउंडेशन ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं. मुझे ये ब्रश ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए मैं ये ब्रश यूज़ कर रही हूँ. आपको डैप डैप करके ब्लेंड करना है, ड्रैग नहीं करना है, नहीं तो आपका मेकअप इधर उधर हो जाएगा. एंड यू कैन सी कितना नेचुरल लुक निकल कर आया है. नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस आईब्रो पेंसिल फ्रॉम ब्लू हेवन. इसका टिप बहुत ही थिन है और आईब्रोज को अच्छे से फिल कर देता है. मैं इसके हल्के हल्के स्ट्रोक दूंगी और फिल कर लूंगी. इसके बाद मैं स्पूली ब्रश की हेल्प से जो भी प्रोडक्ट लगाया है उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी. नेक्स्ट आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी लिक्विड कंसीलर इन द शेड 04 मीडियम बेज. अगर आप अफोर्डेबल में एक अच्छा फुल कवरेज कंसीलर ढूंढ रहे हो देन यू कैन गो फॉर दिस वन. इसे मैं अपनी आईलेट पे अच्छे से अप्लाई कर लूंगी, एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी. इससे क्या होगा, हम जो भी पिगमेंट लगाएंगे वो अच्छे से पॉप आउट करके आएगा. नेक्स्ट मैं यहाँ पर ये आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ. ये यू कैन बी एक्जॉटिक 48 आई शेडो कलर्स पैलेट है. इसमें एक पिगमेंट मेरे से टूट भी गया था गिर के. इसमें मैं ये स्किन कलर यू लूँगी और जहाँ जहाँ हमने कंसीलर अप्लाई किया वहाँ पर अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी सो दैट कोई भी क्रीसेस ना आए. सेम आई शेडो पैलेट में से मैं ये लाइट ब्राउन शेड लूँगी और एज अ ट्रांजिशन शेड अप्लाई कर लूँगी दोनों आईज पे. फिर मैं ये ब्लू वाला शेड लूँगी और अपने आई के कॉर्नर पर डैप डैप करके अप्लाई कर लूँगी और उसके बाद उसको फ्रंट में ले जा करके मैं ब्लेंड कर लूँगी. नेक्स्ट मैं इसमें से एक ब्राउन शेड ले रही हूँ और जो भी इसके एजेस है ना उसको ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से सो दैट एक क्लीन लुक आए. एंड नाउ यू कैन सी कितना प्रिटी लुक आया है. ऑफ कैमरा मैं आई लैशेज लगा लेती हूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ. ओके सो मैंने अब अपनी आई लैशेज लगा ली एंड यू कैन सी पूरा लुक ही एकदम से चेंज हो गया है. नेक्स्ट मैं यहाँ पे मेबेलिन का आई लाइनर यूज़ कर रही हूँ और ये है मेबेलिन का कोलोसल आई लाइनर. आर्चीज का लिमिटेड कलेक्शन है ये और यू कैन सी ये कितना ज़्यादा पिगमेंटेड और जेट ब्लैक है बिल्कुल. और बट लाइनर को मैं सिर्फ अपने आई लैशेज की जो बैंड है उसको कवर करने के लिए यूज़ कर रही हूँ, ज़्यादा मोटा आई लाइनर हम नहीं लगाएंगे. नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस मस्कारा, इट्स फ्रॉम द ब्रांड लॉरियल देयर लैश पैराडाइज मस्कारा. एंड यू कैन सी इसका जो वॉन्ड है वो कितना ज़्यादा स्लीक है. आपको ये बहुत ही अच्छा वॉल्यूम प्रोवाइड करता है और काफ़ी अच्छे से आप इसको अपनी आईज पे लगा सकते हो. मैं अपनी दोनों आईज पे इसको अच्छे से अप्लाई कर लूँगी एंड यू कैन सी कि मैं कैसे अप्लाई कर रही हूँ. आपको बिल्कुल ऐसे ही अप्लाई करना है. अब मैं सेम कंसीलर ले रही हूँ और अपने हाइलाइटेड पॉइंट्स जैसे अंडर आइज, नोज, चिन, फोरहेड पर अप्लाई कर लूँगी जिससे कि हमारा फेस हाइलाइटेड लगे. नेक्स्ट मैं यहाँ पर एक फ्लफ़ी ब्रश ले रही हूँ, आप भी कोई भी फ्लफ़ी ब्रश ले सकते हो. एंड इसकी हेल्प से मैं एक कंसीलर को ब्लेंड कर लूँगी. आपको अगेन डैप डैप करके ही अप्लाई करना है. आप देख ही सकते हो एक हाइलाइटेड सा मेरा फेस कितना ज़्यादा शार्प लगा. नेक्स्ट मैं ये लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ, इट्स फ्रॉम द ब्रांड हिलरी रोडा. इट्स अ बेकआउट लूज पाउडर. ये इनका न्यू लॉन्च है और मुझे पी आर में रिसीव हुआ है. अगर इसकी पैकेजिंग की बात करें तो काफ़ी स्टडी है. इसमें आपको ये पफ भी मिल जाता है, इसमें एक हल्का सा फ्रेगनेंस भी है विच इज़ ओके. हमें एक पाउडर ब्रश लेना है और एक्सेस पाउडर को डस्ट ऑफ कर देना है एंड फिर हम उसको अप्लाई कर लेंगे अपने अंडर आइज में, अपने चिन के पास, फोरहेड पर और कुछ टाइम के लिए हम इसको छोड़ देंगे. उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये फेस पैलेट एंड इट्स फ्रॉम द ब्रांड स्विस ब्यूटी. इट्स देयर चीकाबू पैलेट इन द शेड 02. मैं इसमें से कॉन्टोर शेड ले रही हूँ और अपने फेस को कॉन्टोर कर रही हूँ. इससे एक हमें शार्प लुक मिल जाएगा. आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है. सो हमारा फेस अब अच्छे से सेट हो गया है तो जो भी लूज पाउडर हमने लगाया था हम उसको अच्छे से डस्ट ऑफ कर लेंगे अपने फेस पे से.
नेक्स्ट आई एम यूजिंग मेबलिन फिट मी द आर्चीज लिमिटेड कलेक्शन ब्लश इन द शेड 06 पैशनेट। ये भी एक बहुत ही अच्छा ब्लश है, आप इसको जरूर से ट्राई कर सकते। मैं यहाँ पे एक फ्लफी ब्रश ले रही हूँ और अच्छे से चारों साइड पे मैं इस पे ब्लश अप ले लूँगी, उसके बाद डस्ट ऑफ करूँगी एक्स्ट्रा, और जो मेरे एप्पल ऑफ चीक्स है मैं वहाँ पे ब्लश को अप्लाई कर लूँगी। मुझे ब्लश बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं बहुत सारा ब्लश लगा रही हूँ, अगर आपको भी पसंद है तो आप भी लगा सकते हो। फिर सेम पैलेट में से मैं शैम्पेन शेड ले रही हूँ हाइलाइटर का, और फिर मैं अच्छे से इसको भी डस्ट ऑफ करके अपनी चीक्स पे, अपने नोज पे, अपनी ब्राउ बोन पे अच्छे से हाइलाइटर लगा लूँगी, इससे हमारा फेस एकदम चमकदार। फिर मैं यहाँ पे शुगर पॉप का ये ब्राउन काजल यूज़ कर रही हूँ, इसको हम अपने आईलेट पे अच्छे से लगा लेंगे और एक ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे सो दैट एक क्लीन लुक हमें मिल पा रहा है। उसके बाद हम लगाएंगे लिपस्टिक, लिपस्टिक लगा के हमारा पूरा लुक कम्प्लीट हो जाता है। लिपस्टिक के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं नायका का लिक्विड लिपस्टिक, और ये मिनी लिपस्टिक है, इसमें हमारा शेड है 01 बॉम्बे। ये एक बहुत प्रिटी सा न्यूड शेड है, मुझे एक न्यूड शेड बहुत प्यारे लगते हैं तो मैं न्यूड शेड लगा रही हूँ। अगर आपको डार्क लगाना है आप डार्क शेड भी लगा सकते हो। एंड इट्स टाइम फॉर द ब्यूटी शॉट्स। आप लोग भी मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये वाला लुक कैसा लगा, और अगर आप इस लुक को रिक्रिएट करते हो तो जरूर से मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर देना, मैं अपना इंस्टा हैंडल यहाँ पे लिंक कर दूंगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।